जब आप चालान बनाते हैं तो उस समय एक वैलिडेशन डालते हैं, हम चेक करें क्या इसके कोई और बायोमेट्रिक्स तो नहीं है, तो जो बायोमेट्रिक्स उसके अंदर सुन लेगा तो वो उस बायोमेट्रिक्स में ऑलरेडी शिफ्ट कर देते हैं कि उसका ऑलरेडी कार्ड में ऑटोमेटिकली उसका नाम चेंज हो गया, क्योंकि जो उसने नाम पहले दिया क्योंकि उसने उस कार्ड पे अपने फिंगरप्रिंट्स करवाए, उसका आईडी नंबर चेंज हो गया क्योंकि उसने आईडी नंबर पे अपने फिंगरप्रिंट्स करवाए, जो उस कार्ड में चला जाएगा तो जो नया वाला है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो यहाँ का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नहीं आप चेक कर ले ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, वो अपने जो बेनिफिट चेक करता है आईपी पोर्टल से, वो आईपी पोर्टल से चेक कर सकता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी वैलिडिटी, उससे सारा उसके हो गया जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑपरेशन की बिल्कुल पावर अवेलेबल है, आप बिल्कुल आप लोकल ऑफिस में जाके, लेकिन वो तो ऐसा विद प्रूफ्स और आपकी रिकमेंडेशन के बाद आईपी स्वयं जाएगा बताएगा नहीं जी मेरा नाम ये नहीं ये है हम नहीं मानेंगे, हम एम्प्लॉयर्स के थ्रू ही काम करते हैं, ये तो ईएसए की स्कीम है एम्प्लॉयर्स के थ्रू ही चलती है, एम्प्लॉयर लिख के देगा कि वाकई ये कोई व्यक्ति है इसका नाम ये नहीं ये है और इसका प्रूफ ये रहा। आप जाके बोलेंगे मेरा नाम ये नहीं है हम नहीं मानेंगे, आपका एम्प्लॉयर जाके बोलता है कि नहीं जी ये व्यक्ति मेरे पास काम कर रहा है पहले उसने इस नाम से बनवाया था लेकिन इसके सारे प्रूफ जो है चेक करने के बाद ये पाए गए हैं इसका वाकई में नाम जैसे पप्पू लिखा दिया मान लीजिए लेकिन उसका नाम उसमें अश्विनी कुमार है मान लीजिए तो लेकिन ये पप्पू तो उसका असली नाम अश्विनी कुमार है, आप सर्टिफाई करते हैं उसके साथ उसका प्रूफ लगाते हैं अश्विनी कुमार की आई डी को जिसमें से उसका आधार कार्ड होगा आज तक आधार कार्ड सबके पास है उसका आधार कार्ड ले जाएगा साथ में ताकि आप टेस्ट करके देखें आधार कार्ड के अलावा और भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आप दे सकते हैं जिसमें उसका प्रूफ हो और फोटो आए मैच कर लीजिए, फोटो तो कई डॉक्यूमेंट्स में नहीं होते हैं नहीं आप देखिए बिना फोटो के आइडेंटिटी प्रूफ वही होता है जिसमें फोटो हो, वोटर कार्ड भी होगा उसमें भी फोटो होगा, ऐसा कौन सा प्रूफ है आप बता दीजिए जिसमें फोटो नहीं है जिसको मानने की कोशिश की नहीं माना जाएगा नहीं माना जाएगा, आप वो देखिए ना क्या किसी के बेस पे बैंक का खाता खुल जाता है आप वो अनुपूर्ण को देखिए फोटो आना चाहिए। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि अगर हम जो जो डुप्लीकेट नंबर जैसे हमें अभी अभी कोई हमें हाइड कर देता है नंबर ये बताता है तो स्टार्टिंग में जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उस समय जब हम डिटेल फिल कर रहे होते हैं तो उसी समय उसका अगर ऑलरेडी ये सही नंबर है तो कोई डिस्प्ले होगा हमें ताकि हमें पता चल जाए उसके बायोमेट्रिक्स कैप्चर नहीं होंगे या चेक कैसे करें। आपको कोई और सवाल होंगे डिटेल इसके बारे में आप रिसर्च लग कर लीजिएगा ठीक है, क्योंकि ये मैं ये तो डिस्कशन के लिए बात होगी और सवाल से सवाल निकले तो आप इससे आप पूछ लीजिए। देखिए कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो उसको निकास मंडल जिनके डायरेक्टर लीडिंग भी कहते हैं आप इनसे कभी भी कॉन्टैक्ट करके आप सकते हो। सर मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि अभी लास्ट हो गया था हमारे एम्प्लॉई के साथ में तो इनिशिएटिव लिया था और आप सभी को पैसे लेते हैं यहाँ पे एस आर ओ में बट कुछ ब्रांचेज हैं जहाँ हमारे मतलब उस तरीके से नहीं एक्टिव हैं वो लोग ब्रांच ऑफिसर्स में वो आपकी तरह एक्टिव नहीं है वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि केस को समझते नहीं है और इवन एम्प्लॉयर जाता है एम्प्लॉय तो छोड़ो एम्प्लॉयर जाता है तो उसको भी तो घुमाते रहते हैं भाई आप यहाँ फोन कर दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ फोन भी देते हैं और हॉस्पिटल वगैरह में जाता है एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट के लिए तो लोग बोलते हैं कि आपका डिटेल दिखाई जबकि सब कुछ ऑनलाइन है कुछ चेक कर सकते हैं उस पर आईपी पोर्टल पे जाके या हो सकता है खुद एजुकेट नहीं है उसके बारे में उन्हें बता दें कि कहाँ से कैसे चेक हो सकता है तो वो एम्प्लॉय को बताते हैं आप जाइए अपने ऑफिस से कंपनी से निकलवा के जाइए डिटेल फिर उन्हें सारा वो चिट ठा निकाल के ऑनलाइन से ही देते हैं। अच्छा एक गुजारिश है कि जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने बोले हैं नोट नहीं कर पाए कभी एक स्क्रिप्ट में आज या कल भी मेल कर दीजिएगा पॉइंट्स बना के कहेंगे जिसको देखते
मेडिकल साइड का है एमएससी मीटिंग में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस अभी भी ये मेन पॉइंट है जो डिस्पेंसरी उस पर मेंशन की जा रही है कि आप डिस्पेंसरी कपा दिलाइएगा तो अब उसमें चलो सपोज को एक कोई अगर यहाँ अपना लोकल जेनियस यहाँ पर काम कर रहा है तो उसके लिए डिस्पेंसरी मेंशन करके कोई आप ट्रीटमेंट ले सकता है उसकी फैमिली आउट ऑफ स्टेशन रहती है तो वो कैसे फिर ट्रीटमेंट लेंगे उनको तो मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्पेंसरी यहाँ भी मेंशन है उसके बोर्ड में तो उसके से क्या करना होगा इसमें एज पर रूल हर एक आई पी के दो डिस्पेंसरीज जो है मार्क हो सकती है लेकिन इसमें अभी सिस्टम पे एक्चुअली क्योंकि पहले एनी वेयर एनी टाइम का कोशिश की गई थी लेकिन उससे सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि कोई भी आई पी कहीं पर भी डिस्पेंसरी में जाए ये कोशिश बहुत ये पिछले चार सालों से की गई लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रही वही कारण है उसके उसके पीछे डिस्कस कर सकता हूँ 20 मिनट को नहीं कर बैठेंगे तो बात कर पाएंगे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई इस वजह से सिस्टम में एक डिस्पेंसरी की जगह दे दी गई है फिलहाल हम फेडरल टेकअप कर रहे हैं जिससे वेरी जेन्युइन कंसर्न कि एक नहीं दो डिस्पेंसरीज होनी चाहिए एटलीस्ट एक सिटी में दो डिस्पेंसरीज नहीं हो पाए लेकिन अगर दो सिटीज अलग अलग हों तो आपके पास सेकेंड डिस्पेंसरी उसमें मैंशन होनी चाहिए टेकन ऑफ दिस मैटर ऑलरेडी इस पर काफ़ी हाई लेवल तक कंसल्टेशन चल रही है आपकी एफर्ट चाहिए